पूरे भारत के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इसी जंतर मंतर पर एक दिन का नहीं, दो साल लगातार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन सरकार से जो हम मांग करते हैं, ये मांग हमें नहीं करना चाहिए। हम अगर बहुत संख्यक हैं, हम भोजपुरी के लोग में ये दम है कि अगर हम राजकुमार पांडे को फिल्म के डायरेक्टर बना सकते हैं, पीएम तिवारी को फिल्म का डायरेक्टर बना सकते हैं, मनोज तिवारी को संसद में भेज सकते हैं और अनेकों अनेक बहुत सारे आईएएस आईपीएस, मैं 1987 का आईएएस एलआई छोड़ा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पढ़ने के मामले में कोई डिग्री हमारे पास कम नहीं है, 38-37 डिग्रियां हमने रखा, लेकिन पाया क्या, हम मांगते मांगते थक गए। जरूरत इस बात का है संतोष जी कि हम इस हक को, ये भोजपुरी भाषा को इस जन जागरण के माध्यम से हम अनुसूचित 8 में शामिल करवाएंगे और इसके लिए हम भीख नहीं मांगेंगे कि जिनको हम बना के भेजते हैं वो संसद में या विधानसभा में या कॉर्पोरेट की गलियों में वो खामोश हो जाते हैं। आज हमारे साथी कहा कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ ब्रिटेन में और एक दो देशों में बोला जाता है, जापान का जापानी भाषा है, अमेरिका का अलग लैटिन भाषा है, हमारा जर्मन का अलग जर्मन भाषा है, चाइना का चाइना भाषा है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के अंदर हम हिंदी में बात करते हैं सभी लोग, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। आप चले जाइए तमिलनाडु, आप चले जाइए महाराष्ट्र, आप चले जाइए बंगाल, वो कहेंगे बंगाली बोलूंगा, मराठी बोलूंगा, मैं तमिल बोलूंगा। तो ये मीठी भाषा जो भोजपुरी का बहुत बड़ा, ये बड़े बड़े लोगों ने अभी बखान किया, गाना गाते हैं और इसका बखान भी करते हैं, हमने ये बनाया ये दिया, लेकिन आपने हक इसलिए नहीं पाया कि आप लोग संगठित हो करके एक बन करके एक आवाज नहीं बनाया। मैथिली ने या असामिया ने या अन्य भाषा ने वो एक बना करके अपने जो उनके उम्मीदवार होते हैं, उनके जनप्रतिनिधि होते हैं, वो आवाज उठाते हैं और हम लोग आवाज नहीं देते। हमें आवाज देने की जरूरत है, हमें कहना है कि ऐ संसद महोदय, हमसे वोट लेके भोजपुरी में बात करके रहुआ गाना सुना के सुन करके गए हो, बोलो, नहीं तो तुम्हें सड़कों पर हम बहिष्कार करेंगे, हम अपने समाज से तुम्हें बहिष्कार करेंगे। और जिस दिन हम ये मूवमेंट बना देंगे कि हम अब नेता, हमारा भोजपुरी के अंदर से जो दिल्ली के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर बन रहा है, वो हमारी आवाज को और सबसे पहले भोजपुरी को अनुसूची 8 में शामिल करने के लिए अगर वो कमर नहीं कसता, अगर वो प्रतिज्ञा नहीं लेता, तो हम उसे वोट नहीं देंगे। देखिए कैसे होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत संख्यक होते हैं और हम कहते हैं कि हमें दे दो, किससे मांग रहे, जो छीन रहा है आपके हक को। आज यही हो रहा है समाज के अंदर कि चंद लोग जो है 2-3% लोग राज करते हैं और जो कहते हैं मैं 80%, 85%, 90% ये हूँ वो हूँ, वो मांगते रहते हैं, वो भिखमंगे की तरह जीते हैं, जबकि हकीकत ये है उसे कहना चाहिए कि ये मेरा है और तुम्हें क्या चाहिए तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए तुम बोलो, तुम कितना भाषा भाषी हो तुम बोलो। भारत के अंदर एक नहीं 256 भाषा है जो लिस्टेड सरकार के अंदर है और 6,737 हमारी जाति पर जातियां हैं। दुनिया भर के हम विभिन्नता में रहते हैं लेकिन हमें नफरत की बीज बो करके, आपस में टकरा करके, आपस में तोड़ कर करके हमें जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है। ये कौन लोग हैं, हमें उसे पहचानना होगा और उसका बहिष्कार करना होगा। तो आज संतोष जी से कहना चाहूंगा, ये लीड कर रहे हैं हम तमाम साथी लोग, आप लोग, ये चंद जो भी लोग हैं, जैसा कि हमारे अरुण ने कहा, मैं भी सुप्रीम कोर्ट नालसा से 123 कोर्ट का मैंने निर्माण किया है भारत के अंदर, मैं उसका कोऑर्डिनेटर रहा हूं और आज भी हूं,
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तमाम भोजपुरी एक आवाज देना चाहते हैं, अगर एक ताकत बनाना चाहते हैं, इस जंतर मंतर पे 2000 लोगों को भीड़ लगाइए, उसका जितना भी खर्चा होगा डॉक्टर दुआ बहन करेगा। आप एक हंगामा खड़ा कर दीजिए, कौन 1 रुपया देगा, कौन 100 रुपया देगा, भूल जाइए, बस एक डेट इस्तेमाल कीजिए। और उसमें जो आपके सांसद हैं, आपके दिल्ली के अंदर विधायक हैं और हमारे ऐसे प्रबुद्ध जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, इन तमाम लोगों को लेकर के एक हल्ला बोल आपको करना पड़ेगा। और तब ये भाषा आप नहीं कहेंगे कि मुझे शामिल कर दो, वो आपके कदमों पे आके कहेगा हम अभी शामिल करते हैं। तो ये शब्दों के साथ बहुत सारी बातें हैं, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, ज्ञान भी बहुत अच्छा रखते हैं, अच्छा अच्छा गाना भी सुनते हैं, सुनाते हैं। तो मैंने आपको कहा कि राजकुमार पांडे, बीएन पांडे, मनोज तिवारी, ये सब हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये दोस्त होने के बाद भी हमारे समाज को, भोजपुरी को आगे बढ़ाने में आवाज़ नहीं देते। जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, वो पार्लियामेंट के अंदर उनको भोजपुरी बोलना चाहिए लेकिन वहाँ हिंदी में बोलते हैं। तो यही खामी है। मैं बिहार का NRI की हैसियत से 40 साल से बिहार से दूर हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ 2025 में वहाँ की सरकार को हिला दूंगा और एक नई सरकार बनाऊंगा, और इसके लिए हम लोग पूरी कमर कस चुके हैं। रही दिल्ली की बात, तो दिल्ली में फरवरी 2025 में चुनाव होने जा रहा है। मेरे कुछ साथी हैं जो पार्टी चला रहे हैं और वो बहुत उम्मीद कर रहे हैं, ये एक गौतम जी और हमारे मनोज कुमार जी, ये सारे जो है भोजपुरी लोग बनना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आप लोग 70 के 70 सीट पे खड़ा होइए, उसका नॉमिनेशन का खर्चा आपके पास पैसा, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन नॉमिनेशन का खर्चा मैं दूंगा। आप लोग खड़ा होइए और जीतिए और पावर लीजिए और भोजपुरी, पूरी दिल्ली को भोजपुरी मैं बना दीजिए। मॉरिशस छोड़िए, हमें दिल्ली को भोजपुरी बनाना है, तो हमें हक मांगना नहीं है, छीनना है। यही शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।